दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिना एटीएम कार्ड के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक बैलेंस चेक कैसे करें। अगर दोस्तों आपका पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, आप चाहते हैं कि दोस्तों बैंक बैलेंस चेक करना घर पे बैठे मोबाइल फोन से, लेकिन दोस्तों आपका पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चले दोस्तों यह समरे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे गूगल पे फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है, तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चले दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, दोस्तों आपको दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक बैलेंस चेक करने के लिए आपको दोस्तों अपना मोबाइल पे दोस्तों डायलर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, तो चले दोस्तों हम डायलर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। डायलर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक नंबर टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, उसी नंबर से दोस्तों आपको SMS बैंकिंग द्वारा आपको लॉग इन करना पड़ेगा, और उसके बाद दोस्तों आपका का बैंक बैलेंस आप चेक कर पाओगे। ठीक है, अभी दोस्तों ध्यान से देखना। ठीक है, कौन सा नंबर है दोस्तों आपका मोबाइल पे, दोस्तों ध्यान से आपको टैप कर देना। ठीक है, तो नंबर एक ही दोस्तों 9223488888। ठीक है, ये नंबर दोस्तों अपना मोबाइल पे टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको दोस्तों थर्ड नंबर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, जो कि दोस्तों सेंड SMS। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताया, आपको दोस्तों SMS बैंकिंग द्वारा आपको सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको सेंड SMS पे आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है अभी दोस्तों ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको कैपिटल में लिखना है REG। ठीक है, REG लिखने के बाद दोस्तों आपको स्पेस दे देना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर आपको डाल देना। ठीक है, आपका जो भी दोस्तों अकाउंट नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर आपको डाल देना। ठीक है, तो चले दोस्तों मेरा अकाउंट नंबर मैं डाल देता हूँ, और ये लो दोस्तों मैंने मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर डाल दिया। ठीक है, आपको भी दोस्तों डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको सेंड पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चले दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद दोस्तों आपको 2-3 मिनट में दोस्तों आपको एक मैसेज में दोस्तों आपको रिप्लाई आएगा, आपका जो मोबाइल नंबर SMS बैंकिंग द्वारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, मेरा दोस्तों ऑलरेडी SMS बैंकिंग द्वारा लॉगिन है, इसलिए दोस्तों मेरे को मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, आपको दोस्तों इसी नंबर से आपको मैसेज सेंड करना पड़ेगा, और उसके बाद दोस्तों आपका जो SMS बैंकिंग द्वारा आपका मोबाइल नंबर जैसा ही दोस्तों लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आपको एक और नंबर से दोस्तों आपको डायल करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद भी दोस्तों आपका बैंक बैलेंस आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको करना कि यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से डायलर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक फिर से दोस्तों नंबर डायल करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों 9223766666। ठीक है, अभी दोस्तों ध्यान से देखना नंबर। ठीक है, इसी वाली मोबाइल नंबर से दोस्तों आपको डायल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चले दोस्तों आपका सामने मैं इसी वाली मोबाइल नंबर से मैं कॉल करके, और दोस्तों मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक बैलेंस चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दोस्तों मैं कॉल करूंगा, और उसके बाद दोस्तों वेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों देख सकते हो ऊपर से दोस्तों मेरे को आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों मेरे को एक SMS भेज दिया गया है। तो चले दोस्तों हम देखते हैं। ठीक है, बैक चलते हैं, बैक जाने दोस्तों यहाँ पे SMS एप्लीकेशन को मैं ओपन करूंगा, और उसके बाद दोस्तों पास्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, टाइम भी देख लेना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों देख सकते हो डेट भी देख लेना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं ऊपर की तरफ करूंगा, यहाँ पे दोस्तों आपको डेट भी देख लेना, टाइम भी देख लेना। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों सिर्फ 17 रुपीज पड़ा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब एक ही दोस्तों मेरा जो खुद का बैंक बैलेंस दोस्तों चेक करके मैं आपको दिखा दिया बिना एटीएम कार्ड के। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ। तो दोस्तों आप इसी तरह अगर आपका पास भी एटीएम कार्ड नहीं है, आप दोस्तों फ्री में कीपैड मोबाइल से भी आप खुद का बैंक बैलेंस आप चेक कर पाओगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपका पास एंड्रॉइड फोन है तो भी दोस्तों आप चेक कर पाओगे, अगर दोस्तों आपका पास कीपैड फोन है तो भी दोस्तों आप चेक कर पाओगे। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों आपका मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आपका जो भी प्रॉब्लम है। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है, तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।